हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैच विद पवन राव में आज आप लोगों को एक नया पॉइंट पढ़ाने वाला हूँ। और आज अपनी थ्योरी की लास्ट क्लास है और इसमें मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा पॉलीगन के बारे में। कंप्लीट थ्योरी मैंने आप लोगों को पढ़ाई है। सबसे पहले मैंने आपके लिए शुरुआत की थी ट्रायंगल से, फिर मैंने आप लोगों के लिए पढ़ाए थे क्वाड्रेटल्स, उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था सर्किल के बारे में, बीच में मैंने आपको लाइन और एंगल के बारे में भी पढ़ाया था, और आज की हमारी लास्ट क्लास है जिसमें मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ पॉलीगन्स के बारे में। पॉलीगन्स के बारे में पढ़ने के बाद, आज की क्लास के बाद, हम लोग अब से क्वेश्चंस करने की शुरुआत करेंगे। और क्वेश्चंस किस टाइप से हम लोग करेंगे उसको मैं अभी थोड़ी देर बाद ही बताता हूँ कि हम लोग क्वेश्चंस करेंगे किस टाइप से। आज लास्ट क्लास है, अगली क्लास से हम लोग क्वेश्चंस करने की शुरुआत करेंगे। थ्योरी आप लोग बार बार देखिए, 2 बार 3 बार 4 बार थ्योरी देखिए। अगर थ्योरी आपने 2 या 3 बार देखी और अपने नोट्स अगर बना चुके हो तो उन नोट्स को बार बार, अब वीडियोज़ को नहीं देखिए आप लोग, उन नोट्स को बार बार पढ़ो। नोट्स अगर नहीं बनाए हैं तो थ्योरी को आप लोग एक बार वापस से रिवाइज़ कीजिए। 2 बार 3 बार या 4 बार में थ्योरी अपने आप रिवाइज़ हो जाएगी और उसके बाद क्वेश्चंस में आप लोग काम में ले पाओगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर हम लोग क्वेश्चंस में काम में नहीं ले रहे हैं। एक बात आप लोग ध्यान रखना, एक चीज़ आप लोग याद, अभी शुरुआत कर रहा हूँ मैं पॉइंट की, तो जो आज पढ़ाने वाला हूँ पॉलीगन की, तो शुरुआत कर रहा हूँ। एक पॉइंट आप लोग हमेशा ध्यान रखना, अगर मैं आप लोगों को एक कोई भी थ्योरी थ्योरम बताता हूँ उसको आप लोग तभी काम में ले पाओगे जब आप लोग उस पर बेस्ड 2 या 3 क्वेश्चंस कर चुके होंगे। पहले मैंने थ्योरम पढ़ाई है, अब क्वेश्चंस करवाऊंगा, और क्वेश्चंस पढ़ाते टाइम वो थ्योरम जो पीछे बताई थी वो मैं आपको याद करवाते चलूँगा, जिससे आपको आसानी से और जल्दी समझ में आएगा। तो आज की क्लास शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ से, पॉलीगन से। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको नहीं बताए हैं, और वो सारी चीज़ें अब जब आप लोग कंप्लीट, अकेली थ्योरी भी कंप्लीट ज्योमेट्री नहीं है, अकेले क्वेश्चंस भी कंप्लीट ज्योमेट्री नहीं है, जब सारे चैप्टर्स सारी चीज़ें आप लोग एक साथ कर लोगे, थ्योरी भी और क्वेश्चंस भी, तब जाके आपकी कंप्लीट ज्योमेट्री होगी। ध्यान देना, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स ऐसे होंगे जो मैं आपके क्लियर करूंगा कहाँ पर, जब क्वेश्चंस करूंगा उस टाइम। देखिए एक छोटा सा पॉइंट मैं आप लोगों को बताता हूँ, इस प्रकार से पॉलीगन की शुरुआत कर रहा हूँ, उससे पहले मैं बताता हूँ कि ये अपने पास इसका सरकम सेंटर है, परिकेंद्र है, ये इसका सरकम सेंटर है, परिकेंद्र है। ध्यान देना आप लोग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में मैं दोनों में लैंग्वेज साथ लेकर चलता हूँ। ये सरकम सेंटर है, परिकेंद्र है, और ये कोई भी ट्रायंगल है ई बी और सी। यहाँ से अगर हम लोग इस पर एल्टीट्यूड डाल दें, यहाँ पर एल्टीट्यूड डाल दिया, ये अपने पास एल्टीट्यूड है, शीर्ष लंब है, और यहाँ से इसको मिला दें तो ध्यान रखना ये वाला कोण अगर थीटा है तो ये वाला कोण भी हमेशा थीटा होगा। अब ये चीज़ें आप लोगों ने आज तक ना तो पढ़ी हैं ना कहीं पर देखी हैं, या आपने आज तक इसलिए नहीं पढ़ी क्योंकि आज तक ये एसएससी में नहीं आया। एक बात आप लोग सभी लोग ध्यान रखना कि ये वाला जो पॉइंट है, क्योंकि एक बार हम ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, हम लोग एक तो वो पढ़ें जो सिर्फ एसएससी में है, और एक हम लोग ज्योमेट्री पढ़ें, दोनों में डिफरेंस है। हम लोग यहाँ पर ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और ज्योमेट्री में वो सारे पॉइंट्स, कुछ लोग या कभी कभार क्या होता है आप लोग वो चीज़, जैसे एसएससी में एक बार पॉइंट आ गया उसके बाद उस पर पीएचडी कर लेते हो, उसके बाद जैसे ही उन पर बेस्ड जो पहले आ चुका उन पर बेस्ड क्वेश्चन आए आपका एग्जाम हमेशा अच्छा होता है, और जैसे ही उनसे अलग क्वेश्चन आ गए, जैसे ही नए क्वेश्चन बने आपका पेपर हमेशा ख़राब हो जाता है। और 2017 मेंस में यही हुआ, इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि यहाँ पर आप लोग ये वाला जैसे पॉइंट है, ये यहाँ पर जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप लोग खुद जहाँ पर भी बैठे हो आप लोग मुझे बताइए कि ये वाला पॉइंट, ये एल्टीट्यूड है, ये सरकम सेंटर है, ये कोण थीटा और ये कोण थीटा बराबर हैं, क्या आप लोगों को पता है क्या? एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जितने भी लोग वीडियोस देख रहे हैं मुझे पहले से पता है कि 99% लोगों को ये वाला पॉइंट नहीं पता। ये वाला पॉइंट क्यों नहीं पता? क्योंकि आज तक एसएससी में नहीं आया। अरे भाई ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, एसएससी में आई हुई चीज़ें अगर रिवाइज़ करें तो वो अलग चीज़ है, हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। क्वेश्चंस पढ़ाने का जब मैं क्वेश्चंस की शुरुआत करूँगा तब का मेरा तरीका भी यही होगा कि पहले मैं आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर आसान क्वेश्चन का, दूसरा स्टैंडर्ड के क्वेश्चन, और तीसरा एसएससी में आए हुए क्वेश्चन, 3 दिन। अगले 3 दिन वापस फिर यही रिवीजन होगा, आसान क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन, और फिर एसएससी में आए हुए क्वेश्चन, अगले 3 दिन फिर से यही होगा। ऐसे क्वेश्चंस के हम लोग ऐसे रिपीटेशन करेंगे, आसान, टफ लेवल के क्वेश्चन और एसएससी के क्वेश्चन, फिर अगले 3 दिन, फिर अगले 3 दिन, ऐसे चलता रहेगा, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा वो आपके क्लियर होंगे। तो ये चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान रखना ये जो सारे पॉइंट्स हैं, मैं आपको ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ,
चाहे वो कैट में आ जाए, चाहे आप लोग CDS में आ जाए, चाहे कहीं पर भी आ जाए, ये सारी चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपके क्वेश्चंस करवाते टाइम ही क्लियर होंगे, ये बात आप ध्यान रखना। तो क्वेश्चंस कल की शुरुआत, कल से शुरुआत करेंगे कल शाम को। आज हम लोग पॉलीगन एक आसान और छोटा सा पॉइंट है उसको पढ़ लेते हैं, फिर कल की क्लास से शुरुआत करते हैं। तो आज की क्लास से मैं शुरुआत करता हूँ हम लोग पॉलीगन। या बहुभुज, बहुभुज या पॉलीगन जो होता है, ऐसी कोई भी आकृति तीन या तीन से अधिक कोई भी इस प्रकार से, ये भी अपने पास एक पॉलीगन है जिसको हम लोग ट्रायंगल बोल देते हैं, ये अपने पास एक पॉलीगन है, वैसे इसको क्वाड्रिलेटरल बोल देते हैं, ये भी अपने पास एक पॉलीगन ही है इस प्रकार से आ जाए, ये भी अपने पास एक पॉलीगन ही है इस प्रकार से, अगर कभी भी आ जाए अपने पास छह भुजाओं वाली आकृति आ जाए, वैसे हेक्सागन बोलते हैं, नाम अलग होता है लेकिन ये भी एक पॉलीगन ही है, आठ भुजाओं वाला भी आ सकता है, पांच भुजाओं वाला भी ऐसे आ सकता है, आठ साइड वाला भी ऐसे आ सकता है, ये भी अपने पास एक पॉलीगन ही है, दस साइड वाला डेकागन बोल देंगे। इस प्रकार से अपने पास पॉलीगन होते हैं जो तीन या तीन से अधिक साइड से घिरी हुई बंद जो आकृति होगी उसको हम लोग बोलेंगे पॉलीगन। देखो शुरुआत करते हैं हम लोग पॉलीगन्स की, तो पढ़ने की शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि ये होता क्या है, अब हम लोग आगे शुरुआत करते हैं। तीन या तीन साइड से घिरी भी बंद आकृति पॉलीगन होगी, देखिए ध्यान देना और सीखना आप लोग, यहां पर इस प्रकार से कोई भी मान लो कोई आकृति है, कोई ट्रायंगल है अपने पास, कोई भी अगर ट्रायंगल है ए बी सी, और हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, कोई चतुर्भुज है, चारों कोणों का योग 360 डिग्री आपको पहले से पता है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ अगर मिला दिया जाए तो इसमें दो ट्रायंगल बनेंगे, एक का होता है 180, दो से गुना कर देंगे तो अपने पास आ गया 360 डिग्री। अगर अपने पास कोई पाँच भुजाओं वाली आकृति है, इस प्रकार से कोई भी आकृति है, तो देखिए एक यहाँ से, ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, तो मुझे बताइए एक दो और तीन ट्रायंगल बने, और एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो तीन ट्रायंगल अगर बने इनका सम भी 180 डिग्री होगा और इधर वाले का सम भी 180 डिग्री होगा, एक ट्रायंगल का सम अगर 180 डिग्री होता है और तीन ट्रायंगल हैं तो 180 को गुना कर देंगे तीन से, तो ये अपने पास आ जाएगा 540 डिग्री। अगर अपने पास कोई भी हेक्सागन है, इस प्रकार से आकृति अगर है, कोई हेक्सागन अगर है, तो यहाँ से मुझे ये बताइए इसके अंदर कितने ट्रायंगल बनेंगे, चार। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री होता है और अपने पास चार अगर ट्रायंगल बनेंगे तो चारों का जो सम होगा 180 डिग्री को इंटू कर देंगे हम लोग फोर से और ये अपने पास आ जाएगा 720 डिग्री। 180 को इंटू कर दिया फोर से तो ये अपने पास आ गया 720 डिग्री। मुझे ये बताइए छः जब साइड्स थी, सिक्स साइड हैं तो चार से गुना कर रहे हैं, पांच साइड हैं तो तीन से गुना कर रहे हैं, चार साइड हैं तो दो से गुना कर रहे हैं, तीन ही साइड हैं तो एक से गुना कर रहे हैं 180 डिग्री। तो मुझे बताइए तीन साइड से अपने पास एक ट्रायंगल बनता है तो यहाँ एक से गुना, चार साइड अगर होंगी तो दो ट्रायंगल बनेंगे, अगर अपने पास पांच साइड हुई तो तीन ट्रायंगल बनेंगे, जितनी साइड्स होती हैं ट्रायंगल उससे एक कम बनता है तो दो कम बनते हैं, सॉरी जितनी साइड छः हैं तो चार ही ट्रायंगल बनेंगे, तो जितनी साइड्स होती हैं ट्रायंगल उससे दो कम बनते हैं, तो अगर एन साइड्स हों तो ट्रायंगल उससे दो कम बनेंगे, तो इतने तो ट्रायंगल बनेंगे और एक का सम अगर 180 डिग्री होता है तो ये किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम अपने पास होगा एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री। ये याद रखना है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। आया कैसे वो चीज़ मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है कि अपने पास हमेशा और हमेशा मैं आप लोगों को समझा देता हूँ आया कैसे। ये छः साइड अगर हैं तो चार ट्रायंगल बनेंगे, चार पांच साइड अगर हैं तो तीन ही ट्रायंगल बनेंगे, ट्रायंगल हमेशा दो कम बनते हैं तो एन साइड हों तो ट्रायंगल बनेंगे एन माइनस टू, और एक ट्रायंगल के सम तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री क्यों होता है वो चीज़ मैं आपको पहले से समझा चुका हूँ। देखिए तो मैं लिख देता हूँ आपके लिए, सम ऑफ इंटीरियर एंगल
ऑफ पॉलीगन का फॉर्मूला जो होगा वो होगा n माइनस टू इंटू 180, और आया कैसे वो भी मैं आपको समझा चुका हूँ। और n जो है यहाँ पर, n है नंबर ऑफ साइड्स, n का जो मान है, n है यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट, काफ़ी सारे लोग कमेंट्स करते रहते हैं नीचे कि सर हिंदी में, तो हिंदी में भी मैं साथ लेकर चलता हूँ हमेशा। सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो होगा, अंतः कोणों का जो योग होगा, इंटीरियर एंगल मतलब अंतः कोणों का जो योग होगा वो होता है अपने पास 180 डिग्री। ऐसा कोई भी पॉलीगन जिसकी चारों तीनों जितनी भी साइड्स हैं वो, और अगर अपने पास सभी कोण, एंगल भी और साइड्स भी अगर इक्वल हों, तो इसको बोलते हैं हम लोग रेगुलर पॉलीगन। अगर आपने पास कोण भी, ये तो सभी के लिए होता है रेगुलर पॉलीगन, नहीं कोई भी आ जाए उसके लिए ये तो होता ही है, लेकिन एक एंगल अगर निकालना पड़े, जैसे साइड से पाँच मान लो या साइड है छः, साइड अगर छः हैं अपने पास इस प्रकार से, तो रेगुलर पॉलीगन उसको बोलेंगे जिसमें अपने पास सभी साइड्स और सभी एंगल अगर इक्वल हों, तो उसको बोलते हैं हम लोग रेगुलर पॉलीगन। तो ध्यान रखना, एक अगर इंटीरियर एंगल निकालना है रेगुलर पॉलीगन का, एक अंतःकोण निकालना है समबहुभुज का, एक अंतःकोण का जो फॉर्मूला होगा वो होगा n माइनस टू इंटू 180 अपॉन n, n माइनस टू इंटू 180 अपॉन n। समबहुभुज का एक अगर एंगल निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है, समबहुभुज बोलते हैं किसको है, रेगुलर पॉलीगन किसको बोलेंगे हम लोग, समबहुभुज या रेगुलर पॉलीगन उसको बोलते हैं, ये दोनों चीज़ें साथ ही पढ़ेंगे, जो रेगुलर पॉलीगन के लिए होगा वो मैं बताऊंगा, और जो सभी के लिए, ये तो सभी के इंटीरियर एंगल का सम तो हमेशा यही होता है, और रेगुलर अगर कभी पॉलीगन हो तो अपने पास n माइनस टू इंटू 180 अपॉन n, ये अपने पास फॉर्मूला है। देखो फिर से ध्यान दीजिए, बाह्य कोणों का जो, ये दोनों चीज़ें याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, अपने पास सभी का सम ये होता है, छः एंगल अगर हुए तो छः से भाग दे दो, सात एंगल हुए तो सात से भाग दे दो, आठ एंगल हुए तो आठ से भाग दे दो, एक एंगल आ जाएगा सम बहुभुज के लिए। और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो हुआ, बाह्य जो कोण हुआ, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, वो ऑलवेज होता है 360 डिग्री। क्यों? बाह्य कोणों का योग चाहे तीन साइड हो, चाहे पांच साइड हो, चाहे सात साइड हो, चाहे दस साइड हो, चाहे बीस साइड हो, चाहे एक हजार साइड्स हो, बाह्य कोणों का योग हमेशा और हमेशा 360 डिग्री होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। क्यों होता है ऐसा वो तो मैं अभी समझा रहा हूँ, लेकिन अगर किसी सम बहुभुज का एक बाह्य कोण निकालना है रेगुलर पॉलीगन का, सम बहुभुज का एक बाह्य कोण अगर चाहिए आपको, ये मैं अभी समझा रहा हूँ एक सेकंड में आप लोगों को कि 360 डिग्री क्यों होता है, एक बाह्य कोण अगर चाहिए तो हम लोग 360 को जितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं उतने ही नंबर ऑफ एंगल्स होंगे, तो डिवाइड अगर कर देंगे तो एक बाह्य कोण आ जाएगा रेगुलर पॉलीगन का सम बहुभुज का, तो एक बाह्य कोण आ जाएगा, एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा हिंदी में और इंग्लिश में, मैं दोनों में लेकर चल रहा हूँ। और मुझे बताइए ये 360, ये तो समझ में आता है सभी का सम 360 है, और रेगुलर हो गया मतलब एंगल बराबर होंगे, बराबर होते ही जो अपने पास एक एंगल अगर निकालना है तो जितने एंगल हैं उसका भाग दे दो, एक एंगल अपने पास आ जाएगा। कैसे आया देखिए, कोई भी अपने पास पॉलीगन है, यह आपने लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं आगे चलता हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं इसमें आप लोगों को बताने वाला हूं। देखिए शुरुआत करते हैं हम लोग हमेशा और हमेशा एक आसान पॉइंट से, धीरे धीरे जैसे जैसे आगे चलते रहेंगे, जैसे जैसे आपके माइंड में चीज़ें आनी शुरू होंगी, वैसे वैसे हम लोग कुछ अच्छी चीज़ें और अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि ऑक्टागन का डायगोनल की लेंथ कैसे निकालते हैं, हेक्सागन के डायगोनल की लेंथ कैसे निकालते हैं, उन पर बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। बस शुरुआत कर रहे हैं एकदम आसान चीज़ों से, धीरे धीरे फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से अपने पास, ध्यान देना, कोई भी अगर अपने पास आकृति है जिसके n साइड्स हैं, कोई भी अपने पास आकृति है जिसके n साइड हो, सकता है ऑक्टागन हो सकता है हेक्सागन हो सकता है डेकागन हो, मुझे बताइए इसको आगे बढ़ाने पर, ये अपने पास एक्सटीरियर एंगल है और ये अपने पास इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल, जो एक क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर है, ये अंतःकोण है और ये अपने पास बाह्य कोण है,
ये अपने पास अंतःकोण है, बाह्य कोण होता क्या है वो भी मैं बता रहा हूँ, ये बाह्य कोण है, ये अंतःकोण है, ये बाह्य कोण है। तो ये जो अपने पास है इंटीरियर और एक्सटीरियर, एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर, एक इंटीरियर और एक्सटीरियर का जो सम है वो अपने पास ऑलवेज होता है कितने डिग्री, 360 डिग्री। तो जितने एन हैं, जितनी अपने पास साइड्स हैं उतने एंगल होंगे। तो मुझे बताइए इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का सम, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल प्लस बाह्य कोण बराबर होगा 360 डिग्री, 180 इंटू एन। एक का वैल्यू होती है 180 डिग्री और एन है एक, आठ साइड है तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ होंगे, दस साइड है तो दस होंगे, बीस साइड है तो बीस होंगे, और ये अपने पास होता है 180 इंटू एन। कुछ लोगों को अब ऐसा लगेगा सर अभी भी तो आप लोग बता रहे थे कि इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम तो 180 डिग्री होता है। ध्यान रखना एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, सभी इंटीरियर और सभी एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम होगा वो होगा 180 इंटू एन। एक का अपने पास 180 है और अगर अपने पास एन है तो 180 इंटू एन। अब आप लोगों को मैंने कहा है कि इंटीरियर एंगल जो होते हैं अंतःकोणों का जो योग होता है, अंतःकोणों का योग ऐसे लिख लेना, अगर ध्यान रखना एक इंटीरियर एंगल एक अंतःकोण रेगुलर पॉलीगन के लिए प्लस एक बाह्य कोण, एक अंतःकोण और एक बाह्य कोण जो होता है वो तो हमेशा होता है 180 डिग्री। ये लिख लेना इन सम ऑफ इंटीरियर एंगल और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल वो होता है 180 इंटू एन। और अभी थोड़ी देर पहले 5 सेकंड पहले ही मैंने समझाया आप लोगों को कि इंटीरियर एंगल जो होता है वो होता है एन माइनस टू इंटू 180, ये फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ, प्लस एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण बराबर 180 इंटू एन। देखो इससे गुना करोगे तो 180 इंटू एन माइनस 360 प्लस एक्सटीरियर एंगल को मैं एक बार बाह्य कोण लिख देता हूँ हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी, बाह्य कोणों का योग है ना, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, इंटीरियर एंगल का सम प्लस एक्सटीरियर एंगल का सम बराबर 180 इंटू एन, और ये अंतःकोणों का योग प्लस बाह्य कोणों का योग बराबर 180 गुना एन। 180 गुना एन से 180 गुना एन तो कट जाएगा और 360 उधर चला गया। इस प्रकार से आता है कि बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है, ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। आपको याद क्या रखना है, पहला सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होगा, आपको याद रखना है रेगुलर पॉलीगन का एक इंटीरियर एंगल कितने डिग्री होगा, दो पॉइंट। तीसरा पॉइंट याद रखना है एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री होता है और अपने पास एक एक्सटीरियर एंगल पूछे तो 360 अपॉन एन रेगुलर पॉलीगन के लिए। और पांचवा जो पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम जो होगा वो हमेशा 180 डिग्री होगा। सबसे पहले ये पाँच पॉइंट्स आप लोग ध्यान रखना। देखिए इस प्रकार से अपने पास अगला पॉइंट, ये पांच पॉइंट पहले मैंने पढ़ा एकदम आसान आसान, एक स्टेप थोड़ा सा और आगे मैं बढ़ता हूँ। और आप लोग ध्यान रखना कि दो पॉइंट जो होते हैं, तीन पॉइंट अपने एसएससी में नहीं आते, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी। मैंने पढ़ाने की शुरुआत की थी 2010 अप्रैल में, 2010 और 2011 पूरा मैंने बैंकिंग ही पढ़ाया था और उसके बाद 2011 लास्ट में मैंने एसएससी पढ़ाना शुरू किया था। तो मेरी जो बैंक होता है, बैंकिंग के जो एग्जाम्स हैं उसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी आती है, तो मैं उसकी कैलकुलेशन मेरी काफ़ी, मैं अपनी जो कैलकुलेशन है खुद की वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मानता हूँ। और कैलकुलेशन करनी कैसे है वो चीज़ें मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने वाला हूँ और मैं आपको सिखाने वाला हूँ। देखो मैं ये चीज़ें, अगर आप लोग कोई भी स्टूडेंट अगर ये सोचता है कि मैं इस टाइप से सिखा दूँ आपको कि 97 × 98 क्या होगा, चलो फटाफट करके बताओ कि बेस 100 के आसपास आए तो ये करना है, ये चीज़ें अगर मैं आप लोगों को सिखाऊँ और मैं बता दूं कि कैलकुलेटर बन जाओगे और ये बन जाओगे वो बन जाओगे, वो चीज़ें तो मुझसे होंगी नहीं कि ये सिर्फ ये बता दूं या 103 105 का इंटू कैसे करोगे या 100 के आसपास आए तो ये करना, 50 के आसपास आए तो ये करना। मैं वो वाली चीज़ों में कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा जो आपको देखने में तो अच्छी लगेंगी लेकिन एग्जाम में एक भी जगह काम में नहीं आएंगी। ये स्टूडेंट्स को अच्छी लगती हैं और जल्दी हो गया, अरे इतना जल्दी हो जाएगा, लेकिन मुझे बताओ 97 × 98 100 के आसपास आता कहाँ है, मुझे 2011 के बाद तो आज तक नहीं मिला कि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए। इंटू करना कई बार ऐसे, ये चलो इंटू करो 4324 से, अरे भाई ऐसा इंटू करना मुझे बताओ कि आया कहाँ है 2012 के बाद,
है ना। तो इस टाइप से ये चीज़ें तो इंटरेस्टिंग था, 10,000 - 1 इंटू कर लेना, इसमें से ये कम कर दो और इसमें से माइनस कर लो, चीज़ें तो बहुत सारी हैं, लेकिन आपको वो चीज़ें मैं कभी नहीं बताऊंगा कि जो सिर्फ देखने में तो आप लोगों को अच्छी लगे, लेकिन एग्जाम में जब बैठते हो तो आप इंटू वैसे ही करते हो जैसे आज तक करते आए हो। इंटू में अपने आप को थोड़ा सा क्या चेंज कर सकते हो आप, एडिशन में क्या चेंज कर सकते हो, स्क्वायर आप लोग फटाफट 2 डिजिट का स्क्वायर, 3 डिजिट का स्क्वायर, 4 डिजिट का स्क्वायर आ जाए, एक ही तरीके से सारे कैसे निकालोगे आप, उन चीज़ों को मैं आपको सिखाऊंगा। मैं ऐसा नहीं बताने वाला कि 100 के आसपास आ जाइए करना, 50 के आसपास आ जाइए करना, इस टाइप की चीज़ें हम लोग थोड़ी कम पढ़ेंगे, जो देखने में तो और आपको लगेगा इतना जल्दी कैसे हो गया, लेकिन वो एग्जाम में एक भी जगह काम में नहीं आना कि 51 का स्क्वायर या 101 का स्क्वायर कहाँ आता है, कैसे आते हैं वो चीज़ें हम लोग सीखेंगे। देखिए, तो मैंने आप लोगों को बताया कि कैलकुलेशन का पार्ट मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, अभी मैं क्वेश्चंस की शुरुआत करूँगा आपके लिए, लेकिन बीच बीच में मैं आपको कैलकुलेशन बताते रहूँगा। जो भी कैलकुलेशन मैं बताऊं, ध्यान रखना उसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। मैं आपको कैलकुलेटर नहीं बना सकता, मैं आपको ये नहीं कह सकता कि ये देखते 1 सेकंड में, 5 सेकंड में, 2 सेकंड में, उससे मतलब मुझे लगता है कि उसको मैं फ्रंट पे डाल दूं थंबनेल पर यूट्यूब पर तो व्यूज़ तो बढ़ जाएंगे, लेकिन स्टूडेंट्स के वो काम का नहीं होता। मैं वही चीज़ें आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ जो आपके काम की होंगी। देखिए, तो इनटू कैसे करोगे और मैं सिखाऊंगा आपको कंप्लीट कैलकुलेशन करनी कैसे एग्जाम में, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। इधर ध्यान दीजिए आप, देखो मैंने कहा कि कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन अपने एसएससी में नहीं आता, और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए नया पॉइंट है, लेकिन फिर भी आप लोग सीखने की कोशिश करना। यहाँ पर देखिए, एक बार इसको याद कर लो, एक बार अपने माइंड में सेट कर लो कि मुझे अगले 3 या 4 मिनट की जो चीज़ें हैं उसको रटना है, एक बार अपने माइंड में सेट कर लो, अपने आप मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ वो अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए, क्योंकि मैं वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप लोगों को लिखवा सकता हूं कि नंबर ऑफ डायगनल्स का फॉर्मूला ये होता है, लेकिन अगर नंबर ऑफ डायगनल्स आया है तो उस पर बेस्ड और क्वेश्चंस भी हम लोगों से पूछे जा सकते हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सोल्व कर पाएंगे वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, एक होता है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन होता है कि जैसे NCR, तो इसको सोल्व करने का तरीका जो होता है ना NCR को, वो होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। अभी फैक्टोरियल क्या बोला है, खूब सारे स्टूडेंट्स को ये चीज़ें पता है, लेकिन फिर भी आप लोग सीखिए, अगले 4 या 5 मिनट मेरे साथ बने रहो और ये चीज़ें देख लो कि ये चीज़ें एक बार मुझे रटनी है, अपने आप समझ में आ जाएगा 5 मिनट बाद, एक बार साथ बने रहो। देखो, जैसे हम लोगों को सोल्व करना है कहीं पर भी 5 फैक्टोरियल क्या है, सबसे पहले मैं बताता हूँ, जैसे कहीं भी लिखा हुआ है फैक्टोरियल 3 तो इसका मतलब है 3 × 2 × 1, कहीं भी लिखा हुआ है फैक्टोरियल 5 तो इसका मतलब है 5 × 4 × 3 × 2 × 1। जब हम लोग बैंकिंग पढ़ाते हैं उस टाइम तो ये फैक्टोरियल 10 तक की वैल्यू स्टूडेंट्स को याद होनी चाहिए, तो आप लोग लेकिन अभी इस प्रकार से देख लो, फैक्टोरियल 6 का मतलब, कहीं कहीं फैक्टोरियल ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है, बुक्स में फैक्टोरियल ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, नोट्स में फैक्टोरियल जो है वो ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। जैसे अगर हम लोगों को सोल्व करना है यहाँ पर 6C2 कॉम्बिनेशन, 6C2 सोल्व करना है, सीखना आप लोगों के लिए नई चीज़ है, लेकिन फिर भी आप लोग सीखना, ये अगर सोल्व करना है तो हम लोग सोल्व करते हैं, ऊपर तो फैक्टोरियल 6, नीचे r का मान 2 है तो फैक्टोरियल 2 इंटू 6 - 2, तो ऊपर फैक्टोरियल 6 है, फैक्टोरियल 6 को आप लोग 6 × 5 × और फैक्टोरियल 4 लिख सकते हो, 4 × 3 × 2 × 1, नीचे अपने पास 2 को लिख सकते हो 2 × 1, और ये अपने पास फैक्टोरियल 4 है, 6 में से 2 माइनस, 4 से 4 कट गया, तो ये आ गया अपने पास 6 × 5/2 × 1। कुछ नई चीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ, आप लोग सीखना एक बार, कुछ नया पॉइंट मैं बता रहा हूँ, और ये पॉइंट अलजेब्रा में भी अब आपके काम आएगा। अलजेब्रा में जैसे आप लोगों को a प्लस बी की होल पावर 5 लिखना है, कैसे लिखोगे, तो ये आपके जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ ये अलजेब्रा में भी काम आएगा, यहाँ पर भी हम लोग एक बार इसको काम में लेंगे, तो एक बार सीखिए आप लोग। तो कहीं भी मैं आपको सिखाना ही चाह रहा हूँ, जैसे कहीं पर आप लोगों को सोल्व करना है 15C2 को सोल्व करना है, तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। 15C2 को अगर सोल्व करना है तो करने का तरीका होगा, 2 लिखा हुआ है, 15 को 2 बार खोलो, 15 × 14 / 2 × 1, ये लो आंसर आ जाएगा, 2 से कट जाएगा 7 बार, 15 × 7 = 105, 105 आंसर आ जाएगा। मैं क्या समझा रहा हूँ, कहीं पर लिखा हुआ है जैसे 16C3, तो 16 को कितनी बार खोलना है, 3 बार, 16 × 15 × 14, बस 3 बार खोलना और नीचे लिखना है 3 × 2 × 1, सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। नहीं समझ पाए, एक बार फिर बताता हूँ, मैं तब तक समझाते रहता हूँ जब तक सभी के समझ में नहीं आया। इसका सोल्व करने का तरीका 18 × 17 × 16
इधर लिखता हूँ, थोड़ा फ्रेम में हो सकता है नहीं आए, तो मैं आपके लिए लिखता हूँ 18 गुना अपने पास 17 गुना 16 गुना 15 चार बार, और नीचे जो अपने को लिखना है वो चार से शुरुआत करनी है, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। बस ये आप लोग पॉइंट एक बार याद कर लो तो आपके लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। कैसे, देखिए मैं समझाता हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ फॉर्मूले रटवाने के बजाय अगर मैं एक बार आप लोगों को बेसिक बता दूं, और पूरी थ्योरी आप लोग देखते हैं, आज थ्योरी की अपनी लास्ट क्लास है, कुछ पॉइंट्स जो बचे हैं वो क्वेश्चंस करवाते टाइम मैं साथ साथ बताते चलूँगा, ताकि क्वेश्चंस भी हो जाएँ और वो बचे हुए पॉइंट्स भी हो जाएँ। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स भी करते रहते हैं कि सर अब क्वेश्चंस की शुरुआत की जाए, और क्वेश्चंस मैंने बता दिए हैं, पहला मैं आसान क्वेश्चन करवाऊँगा ताकि थ्योरी कम्प्लीट, ऐसे नहीं कि हवा में ही चल रहे हैं, हार्ड हार्ड क्वेश्चन करते जा रहे हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी करवाने वाला हूँ, जहाँ से बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी होंगे। आप खुद देखना, पहले मैं आपको टाइम दूंगा और फिर आप खुद चेक करना कि कैसे क्वेश्चंस कैसे होगा, खुद करना, और फिर मैं तो बोर्ड पर उनको समझाऊंगा। तो पहले आसान क्वेश्चन होंगे, फिर अगली पहली क्लास में, दूसरी क्लास में SSC में आए हुए क्वेश्चन, और तीसरी क्लास में थोड़े से टफ क्वेश्चन होंगे। फिर से वापस 3 दिन यही चीज़ रिपीट होगा, आसान क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन, SSC में आए हुए क्वेश्चंस, फिर अगले 3 दिन यानी कि 7वीं क्लास में फिर से ये रिपीट हो जाएगा, ऐसे चलता रहेगा, है ना। तो देखिए ये जो पॉइंट मैंने समझाया इसको कोशिश करना समझने की। देखिए कोशिश करना, यहाँ पर अपने पास मुझे ये बताइए, डायगोनल जो होता है वो कितने पॉइंट से मिलकर बनता है, डायगोनल जो होता है वो कितने पॉइंट से मिलकर बनता है, डायगोनल जो होगा अपने पास वो मिलकर बनता है 2 पॉइंट से। तो 2 पॉइंट से मिलकर जो बने 4 पॉइंट्स हैं, और 2 पॉइंट से मिलकर कितनी आकृति बनेंगी, तो इसको लिखेंगे 4C2। 4 में से सिर्फ 2 चूज करने हैं, चार साइड्स अगर हैं तो उसमें से 2 पॉइंट से 4 पॉइंट अगर हैं, तो 2 को चूज़ अगर करना है तो साइड जो अपने पास डायगोनल जो बनेगा वो 2 पॉइंट्स को चूज़ करने पर बनेगा। तो इसको लिखेंगे हम लोग 4 गुना 3, अभी भी सोल्व करना सिखाया, 4 को 2 बार तक खोलना है, नीचे 2 गुना 1, 2 से कट गया 2 बार, और ये आ गया अपने पास 6। मुझे ये बताइए डायगोनल तो 2 ही होते हैं, 6 कैसे आ गए। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर 2 पॉइंट से मिलकर 2 चीज़ें बनती हैं, सीखना आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट, और अगला जो मैं पॉइंट समझाने वाला हूँ उसको भी आप लोग साथ साथ सीखना। यहाँ पर अपने पास इस प्रकार से होगा कि डायगोनल्स जो हैं अपने पास ये जो हैं 2 पॉइंट अगर चूज करोगे तो उससे एक तो डायगोनल बनता है और एक साइड्स भी बनती हैं। तो ध्यान रखना 2 पॉइंट से जो सम आएगा, ये जो 6 आया है वो डायगोनल्स प्लस साइड्स का सम आ गया है, तो इसमें से साइड्स अगर माइनस कर दूँ, साइड्स 4 होंगी, तो अपने पास ये आ गया 2। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपने पास, नंबर ऑफ डायगोनल्स का जो फॉर्मूला होगा वो होता है NC2 - N। जैसे ही NC2 लिखोगे, N यहाँ पर है नंबर ऑफ पॉइंट्स जिससे मिलकर अपने पास कोई भी पॉलीगन है जिसमें कितने पॉइंट्स हैं या कितनी साइड्स हैं, N नंबर ऑफ साइड्स मान सकते हो, NC2 - N, N यहाँ पर जैसे ही NC2 करोगे तो डायगोनल्स की प्लस अपने पास लेंथ किसकी आ जाएगी, संख्या किसकी आ जाएगी, डायगोनल्स प्लस साइड की अपने पास संख्या आ जाएगी। तो NC2 को अगर सोल्व करोगे तो N को 2 बार खोलना है, N (N-1) और नीचे 2 को 2 गुना 1 -N, एलसीएम 2 आ जाएगा, तो ये हो गया N² - N और यहाँ पर 2N, तो ये अपने पास आ गया N² - 3N / 2, और ये कॉमन ले लिया तो N - 3/2, ये नंबर ऑफ डायगोनल्स की संख्या है। तो ध्यान रखना नंबर ऑफ डायगोनल्स जो आएगा अपने पास उसका फॉर्मूला वो होता है N (N-3/2, ये आप लोगों को याद करना है। लेकिन मैं सूखी चीज़ें आपको फर्स्ट डे से आप लोगों को पता है कि सिर्फ मैं चीज़ें आप लोगों को रटवाता नहीं हूँ, सिर्फ मैं आप लोगों को याद नहीं करवाता हूँ कि इसको रट लेना, मैं आपको बताता हूँ कि वो बना कहाँ से। क्योंकि जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि एक क्लास में 40 स्टूडेंट हैं और प्रत्येक स्टूडेंट एक दूसरे के साथ हैंडशेक करता है, एक दूसरे के साथ हाथ मिलाता है, तो बताओ उस क्लास में कितनी बार हाथ मिलाया गया। तो 2 लोग मिलकर 1 बार हाथ मिलाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि एक क्लास में जैसे क्वेश्चन आएगा बड़ा सा इतना लिखा हुआ, क्वेश्चन की लैंग्वेज में बोल देता हूँ, एक क्लास में 25 स्टूडेंट हैं,
एक क्लास में 50, और ये एसएससी के क्वेश्चंस भी बनते हैं, कॉम्बिनेशन ही, लेकिन ये आसान आसान जब क्वेश्चंस बनते हैं तब फैकल्टीज लोग क्या करते हैं कि आप लोगों को एक फॉर्मूला याद करवा देते हैं कि ये फॉर्मूला आप लोग रट लेना और इससे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं आपको समझाता हूँ हमेशा और हमेशा बेसिक, ताकि उस पर बेस्ड और क्वेश्चन भी बने। जैसे अपने पास एक प्लेन में 10 पॉइंट हैं, इससे कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल बनाए जा सकते हैं? एक प्लेन में 10 पॉइंट हैं, 10 पॉइंट से कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बनाए जा सकते हैं, कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, उसे एक स्टेप और ऊपर चले। और ऐसे क्वेश्चन एसएससी पूछ सकता है, ज्यादा ऐसा नहीं है कि ये कॉम्बिनेशन ही है। ऐसे क्वेश्चन जैसे एक क्लास में 25, ये मैं बता रहा था, एक क्लास में 25 स्टूडेंट हैं, दिवाली का कोई शुभ अवसर आया, कोई और त्यौहार आ गया, या कोई भी कुछ भी फेस्टिवल हो सकता है वो आया, और जिसके कारण प्रत्येक स्टूडेंट एक दूसरे के पास कार्ड भेजता है, तो मुझे बताइए उस क्लास में कितने कार्ड भेजे गए, कितने हाथ मिलाए गए, कितने कार्ड भेजे गए, ट्राइंगल कितने पॉइंट्स हैं, एक प्लेन में इतने पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट हैं, उससे कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल बनाए जा सकते हैं। या एक प्लेन में इससे और स्टेप आगे जाएगा, तो एक प्लेन में समतल में 10 पॉइंट हैं, जिसमें से 5 कोलिनियर हैं, 5 एक सीधी रेखा में हैं, तो बताइए इससे कितने ट्राइंगल बनाए जा सकते हैं। तो सारा कॉम्बिनेशन ही है, और ये अगर क्वेश्चन आ गया तो आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस भी लैंग्वेज प्रॉब्लम में आ सकते हैं, त्यौहार वाले, हैंडशेक वाले, या नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कैसे निकालोगे आप लोग, वो मैं आपको सिखाता हूँ। तो ध्यान रखना, आप लोग मुझे ये बताइए, सभी लोग मिलकर मुझे ये फॉर्मूला याद रखना, कैसे बना वो मैंने बता दिया। जैसे नंबर ऑफ पॉइंट्स अगर 4 हैं इसके, तो 4 रख देंगे, तो 4 गुना 3 में से 1, 4 में से 3 माइनस करोगे 1/2, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स की संख्या आ गई 2। तो डायरेक्ट भी आप लोग याद कर सकते हो, कैसे आया वो मैंने समझा दिया आपको। अब जैसे इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आ जाए कि 10 पॉइंट हैं, अगर कभी भी एक प्लेन में 10 पॉइंट्स हैं, तो बताइए इन 10 पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर कितने ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं। वो क्वेश्चन हम लोग लैंग्वेज प्रॉब्लम में करेंगे, हैंडशेक वाले, कार्ड भेजने वाले, वो सारे मैं समझाऊंगा जब हम लोग अर्थमेटिक पर आएंगे, तब मैं आपको अर्थमेटिक में वो सारी चीज़ें बताऊंगा। यहाँ पर तो नंबर ऑफ कितने ट्रायंगल्स बनाए जा सकते हैं त्रिभुज पूछा है, क्वाड्रिलेटरल पूछ लेगा कितने चतुर्भुज बनाए जा सकते हैं, पॉलीगन कोई भी पूछ सकता है, पॉलीगन का ही पॉइंट है इसलिए समझा रहा हूँ, कितने पंचभुज बनाए जा सकते हैं, कितने हेक्सागन्स बनाए जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों से पूछे जा सकते हैं। और ये जो भी स्टूडेंट एसएससी और सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जो भी क्वेश्चन एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, अचानक कोई भी क्वेश्चन सामने आ सकता है, क्वेश्चन आने के बाद आप लोग उस पर मोहर लगा लेते हो कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। जब तक नहीं आता तब तक आप लोग उसको पढ़ते ही नहीं हो, आपको लगता है अरे नहीं ये तो आ ही नहीं सकता, और फिर जब क्वेश्चन आ जाता है तब लगता है अरे पढ़ लेता तो मैं ठीक रहता, है ना, ऐसे नहीं करना, सारी चीज़ें पढ़ना आप। तो कितने ट्राइंगल बनाए जा सकते हैं, तो हमें पता है ट्राइंगल 3 पॉइंट से मिलकर बनता है, तो हम लोग लिखेंगे 10C3। कितने क्वाड्रिलेटरल बनाए जा सकते हैं, तो हम लोग लिखेंगे 10C4। और सोल्व करने का जो तरीका होगा वो मैं आपको सिखा चुका हूँ। 3 अगर आए तो 10 गुना 9 गुना 8, और 3 अगर आए नीचे 3 गुना 2 गुना 1, ये सोल्व कर लेंगे और ये अपने पास आंसर आ जाएगा। अगर वो बोलता है कि 10 पॉइंट है, अगर वो बोलता है कि वो 10 पॉइंट हैं, और बताइए उसमें से 5 अगर कोलिनियर हैं, तो कितने ट्राइंगल बनाए जा सकते हैं। 10 पॉइंट हैं, 5 अगर कोलिनियर हैं, तो उससे कितने ट्राइंगल बनाए जा सकते हैं। तो 5 अगर जो कोलिनियर हैं, ध्यान देना, 5 जो कोलिनियर हैं, कुछ स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, 5 पॉइंट जो कोलिनियर हैं इससे कोई ट्राइंगल नहीं बनाया जा सकता, तो इसको 1 मान लो, और 5 पॉइंट और हैं तो टोटल पॉइंट मान लेते हैं 6, और लिख देते हैं 6C3, जो साफ साफ गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। ऐसे ये वाली अप्रोच नहीं लगानी है आप लोगों को, आपको जो अप्रोच लगानी है वो कौन सी अप्रोच लगानी है, देखिए अपने पास इस प्रकार से 10 पॉइंट हैं, 5 कोलिनियर अगर हैं तो 10 पॉइंट है तो हम लोग लिखेंगे 10C3, और 5 कोलिनियर से जो ट्राइंगल नहीं बना जा सकता तो हम लोग लिखेंगे 5C3, इसको सोल्व करेंगे और ये अपना आंसर होगा। तो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन मैंने आप लोगों को बताया, सोल्व करने का तरीका 10 को 3 बार खोलना है, 10 गुना 9 गुना 8 बटे अपने पास 3 गुना 2 गुना 1 माइनस 5 गुना 4 गुना 3 नीचे 3 गुना 2 गुना 1। देखिए आप लोग ये चीज़ यहाँ पर छोटा सा पॉइंट और सीखना चाहो, क्योंकि अपने सिलेबस का कम पॉइंट है, कभी आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, इसलिए मैंने सारी चीज़ें आपको नहीं बताई हैं कॉम्बिनेशन के बारे में। क्या यहाँ से 3 से 3 कट गया है क्या? तो 3 से 3 कट गया तो 5 गुना 4 और 2 गुना 1 लिख सकते हैं क्या? तो मैंने आपको समझाया है कि कभी भी इस प्रकार से 16C2 हो तब तो इसको खोलो 16 गुना 15 और नीचे 2 गुना 1। लेकिन अगर कभी भी लिखा हुआ हो, ये भी इसी की चीज़ें हैं, 15C13, आप लोगों को लगेगा अरे 15 को 13 बार खोलना है, 15 को 13 बार खोलोगे तो 15 गुना 14 इंटू 13 इंटू
12 इंटू अपने पास इस प्रकार से चलता रहेगा। मुझे आप लोग बताइए नीचे 13 गुना 12 गुना एक ये भी इस प्रकार से चलता रहेगा, तो 13 गुना 12 गुना से कट जाएगा क्या? तो ऐसे याद कर लो 15 में से 13 माइनस करके 2, तो नीचे ऊपर 15 गुना 14 है तो नीचे 2 गुना 1 लिख देना और अपना आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से भी इसको लिख लोगे 15 × 14 और नीचे लिखोगे अगर 2:1 तो भी अपना आंसर आ जाएगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो समझ में आ तो आया ना आप लोगों के, 15 को उस प्रकार से नहीं खोलना है, 15 को ऐसे नहीं खोलना, 15 × 14 × 13 13 बार खोलो यानी कि 3 तक खोल दिया, और नीचे लिख रहे हो 13 गुना 12 गुना 11 गुना ये 3 गुना 2 गुना 1 तक खोल दिया, तो 3 तक तो ये कट जाएगा और 15 × 14 और नीचे 2 × 1 यही बचा। तो ये अगर नीचे वाली संख्या बड़ी है तो 15 में से वो माइनस कर लिया करो, 15 में से 13 माइनस किया तो 2 बचा, तो 2 बार ही खोल दो 15 × 14 और 2 × 1। नीचे वाली संख्या देख लेना छोटी है या बड़ी है, जैसे कहीं पर आ जाए 10c3 10c8 आ जाए तो ये 8 बार नहीं खोलना 10 को, 10 में से 8 माइनस 2 तो 2 ही मान लो इसको, 8 की जगह 8 × 9 और 2 × 1। मैं आपको फिर समझा रहा हूँ ज्योमेट्री जो मैं कंप्लीट पढ़ा रहा हूँ फुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है कॉम्बिनेशन का पॉइंट अपने सिलेबस में नहीं है, क्वेश्चन आ सकता है लेकिन सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं इसका पूरा बेसिक नहीं बता रहा हूँ, यहीं पर पॉइंट छोड़ रहा हूँ। जब बैंकिंग की क्लास मैं इस यूट्यूब चैनल पर लूँगा आप लोगों के लिए, बैंकिंग जब सिखाऊंगा उस टाइम ये कंप्लीट परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी वो मैं सारा पढ़ाऊंगा। बैंकिंग भी मैं इस चैनल पर पढ़ाने वाला हूँ लेकिन वो थोड़ा बाद में होगा, अभी आप लोग ऐसे मैसेज नहीं डालने लग जाना कि सर पढ़ा दो बैंकिंग, पढ़ा दो सर पढ़ा दो, अभी नहीं, एक बार रुक जाइए। सारी चीज़ें मैं पढ़ाने वाला हूँ फुल बेसिक के साथ, हर क्यों के साथ, और बैंकिंग में हम लोग बहुत ज़्यादा ट्रिक्स काम में लेते हैं क्योंकि बैंक का जो पेपर है वो थोड़ा आसान आता है। दोनों में डिफरेंस यही है, बैंक का जो पेपर है उसमें आपको ट्रिक्स आनी चाहिए, और मैंने कहा है कि मैंने बैंकिंग शुरुआत में पढ़ाया जिससे मेरी कैलकुलेशन और मेरी ट्रिक्स बहुत अच्छी हैं। एसएससी का जो एग्जाम है दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, एसएससी के एग्जाम में आपको नॉलेज होना चाहिए, अगर आपका नॉलेज अच्छा है तो ही आप लोग मेंस क्लियर कर पाओगे, सिर्फ और सिर्फ ट्रिक्स पर बेस्ड अगर जाओगे तो आप लोग सोल्व नहीं कर पाओगे, ये ध्यान रखना। देखिए कोई भी अपने पास पॉलीगन अगर है, कोई भी अपने पास अगर बहुभुज है, रेगुलर पॉलीगन की मैं बात कर रहा हूँ, पहले मैंने एंगल के बारे में उसके बताया और फिर मैंने आप लोगों को बताया कि उसमें हम लोग इसके डायगनल्स कैसे निकालते हैं। अब दो छोटे छोटे क्वेश्चंस जो एसएससी बनाता है, एक एसएससी बनाता है आज तक बनाए भी हैं, और दूसरा उससे थोड़ा सा और स्टैंडर्ड का मैं बताने वाला हूँ जहाँ से एसएससी क्वेश्चन नहीं बनाता लेकिन फिर भी मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए एक बात आप लोग ध्यान रखना, कभी भी अगर इस प्रकार से है कोई भी हेक्सागन है, नंबर ऑफ डायगनल्स का फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ, n × (n-3/2) आया कैसे ये चीज़ भी मैंने सिखाई है, और एक वर्टेक्स से अगर डायगनल पूछ ले यहाँ से, वैसे क्वेश्चंस वैसे पूछता नहीं है, ऐसे बनाने को तो कुछ भी बना लो लेकिन ऐसे क्वेश्चंस नॉर्मली नहीं पूछे जाते। मैं जो समझा रहा हूँ वो ये समझा रहा हूँ कि एक हेक्सागन अगर है तो चलो आप लोग जहाँ पर भी बैठे हो मुझे बताइए इसका प्रत्येक एंगल, रेगुलर हेक्सागन पढ़ा रहा हूँ मैं, रेगुलर हेक्सागन पढ़ा रहा हूँ, इसका प्रत्येक एंगल कितने डिग्री होगा। तो ध्यान रखना रेगुलर हेक्सागन का प्रत्येक एंगल अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है n − 2 × 180, और षष्ठभुज अगर है तो n का मान 6 होगा तो 6 × 180 हम लोग लिख देंगे 6, तो 4 × 6 से कट गया 30 बार, तो प्रत्येक एंगल जो आ गया अपने पास वो आ गया है 120 डिग्री। तो ध्यान रखना रेगुलर हेक्सागन का प्रत्येक एंगल, ये आपको आता होगा ये नहीं समझा रहा हूँ लेकिन मैं बेसिक धीरे 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 आगे मैं लेकर चल रहा हूँ, तो ये अपने पास आ गया 120 डिग्री। हेक्सागन का जो प्रत्येक एंगल आ गया वो अपने पास आ गया 120 डिग्री, कैसे आया वो मैंने आपको समझाया है। एक बात आपके बहुत ज़्यादा काम में आएगी, और जब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा ना तब तो हाइट एंड डिस्टेंस में आप उस तरीके को बहुत ज़्यादा लगाओगे, और मैं आपको कम से कम ट्रिग्नोमेट्री में वो पॉइंट 50 बार सिखा दूंगा तो खुद ही वो याद हो जाएगा, एक बार यहाँ पर काम में आएगा इसलिए मैं बता देता हूँ। यह आपको पता होगा नेक्स्ट चैप्टर हमारा होने वाला है मेंसुरेशन, और उसके बाद अगला जो चैप्टर होने वाला है वो ट्रिग्नोमेट्री होने वाला है। मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ इस चैनल पर। शुरुआत मैंने की थी तब कुछ लोगों को लगा था सर कंप्लीट पढ़ाओगे नहीं पढ़ाओगे, ज्योमेट्री देखो आज कंप्लीट हो गई है, वैसे ही क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, तो आप लोग घबराया करो नहीं कि सर होगा नहीं होगा, ऐसे मैसेज नहीं डाला करो, नेगेटिव मैसेज नहीं डाला करो, कमेंट्स करने जरूरी हैं, आपको समझ में आया नहीं आया हाँ ना ये जो बोलते हो ये नीचे कमेंट्स में लिखो ताकि आपको खुद को भी मजा
आएंगे पढ़ने में कि आपको ऐसा लगेगा जैसे क्लास में ही हम लोग हैं। और मैं कई बार क्या होता है कि ऐसा नहीं चाहता कि कोई भी पॉइंट बच जाए, इसलिए थोड़ा स्लो में ज़रूर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ऐसे पॉइंट मैं नहीं रखूँगा कि ये बच्चे मैं ऐड कर दूँ यहाँ पर, ये एडवर्टीजमेंट चल रहा है, आधी चीज़ें मैंने पढ़ा दी, आधी चीज़ें मैंने छोड़ दी। जो भी अपने पास SSC लेवल का, उसके बाद कैट लेवल की भी जो चीज़ें हैं, वो सारी की सारी इस पर मैं पढ़ा रहा हूँ, और CDS तो अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, कंप्लीट में पढ़ाने वाला हूँ, आप भरोसा रखिए, जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आप लोग नहीं कर पाओ। पॉइंट अगर कोई बचा वो क्वेश्चंस में समझा दूंगा, और जब क्वेश्चंस और थ्योरी एक बार आप लोग कर लीजिए, ज्योमेट्री का कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बचेगा, तो आप लोग ध्यान रखना, एक बार क्वेश्चंस कर लीजिए, फिर देखना आपको मजे आएंगे ज्योमेट्री के नए क्वेश्चंस करने में भी। और एक पॉइंट आप लोग समझिए, कभी भी अगर आपने पास ये वाला एंगल अगर 30 60 और 90 हो, कुछ लोगों ने अगर रेशियो याद कर लिया है ठीक है, सभी का समान करना चाहिए, अगर रेशियो आपने याद कर लिया है ठीक है। दूसरा एक तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अपने पास एंगल आ जाए 45 और 45, राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल्स जो आ सकते हैं वो अपने पास आ सकते हैं 45 डिग्री 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। ऐसे अगर कभी आ जाए अपने पास, तो ध्यान रखना 30 के पास वाली साइड बड़ी और 60 के पास वाली साइड छोटी होती है। 30 के पास वाली साइड बड़ी, याद रखना एक पॉइंट, और ये लाइन इतनी ज़्यादा आपके काम आएगी, इतनी ज़्यादा काम आएगी कि आप लोग कुछ क्वेश्चंस हाइट एंड डिस्टेंस के देखते ही करोगे, और 10-12 सेकंड में कैसे करोगे वो चीज़ें मैं सिखाऊंगा हाइट एंड डिस्टेंस में। हाइट एंड डिस्टेंस में दोनों टाइप के क्वेश्चंस करूंगा, लेंथी क्वेश्चंस आप लोग कैसे करोगे जब अल्फा बीटा गामा इस प्रकार से एंगल आ जाएँ, और 30 60 90 अगर आ जाएँ तो आप लोग क्वेश्चंस कैसे करोगे, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ध्यान देना यहाँ पर, ये एक पॉइंट ध्यान रखना, याद करो इसको, 30 के पास वाली साइड बड़ी और 60 के पास वाली साइड छोटी, लिख लो इसको, 30 के पास वाली साइड बड़ी और 60 के पास वाली साइड छोटी। छोटा या बड़ा हमेशा बनाना है आप लोगों को किससे, रूट थ्री से। जैसे ये अगर x दिया हुआ है तो ये वाली साइड 30 के पास वाली साइड बड़ी तो रूट थ्री x। 45 पहले 45 में बता देता हूँ, 45 में ध्यान रखना दो साइड बराबर होती हैं, 45 में ध्यान रखना ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ एक बार इसको पढ़िए ताकि आप लोग जल्दी कर पाओ। 45 डिग्री अगर एंगल है तो दो साइड बराबर, क्योंकि कोण बराबर, और कर्ण हमेशा रूट टू टाइम्स होता है रूट टू एक्स। ध्यान देना, दूसरा दो साइड बराबर होती हैं, जैसे ये आपको फिर ट्रिग्नोमेट्री लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये कोण 45 डिग्री है तो ये साइड अगर 20 है तो ये भी 20 होगी, और हाइपोटेनस या कर्ण निकालना है तो 20√2 होगी। सीखो आप लोग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, जिससे क्वेश्चन आप लोग फटाफट सोल्व कर पाओगे, और कितना फास्ट कर पाओगे वो खुद चेक करोगे आप लोग हाइट एंड डिस्टेंस में, और वो चीज़ यहाँ भी काम में आ रही है इसलिए मैं बता रहा हूँ। एक पॉइंट आप लोग ध्यान रखना कि आपने पास अगर 30 और 60 आ जाए तो 30 और 60 में याद रखना 30 के पास वाली साइड बड़ी और 60 के पास वाली साइड छोटी होती है। छोटा या बड़ा बनाना है रूट थ्री से, 30 के पास साइड बड़ी 60 के पास छोटी, छोटा या बड़ा बनाना है रूट थ्री से। लगे बड़ा बनाना है तो रूट थ्री से गुना कर दो, लगे छोटा बनाना है तो रूट थ्री का भाग दे दो, लग रहा है बड़ा बनाना है रूट थ्री से इंटू करो, लग रहा है छोटा बनाना है रूट थ्री से भाग दे दीजिए। जैसे ये अगर एक्स है, आपको लगे कि 30 के पास बड़ा बनाना है तो रूट थ्री से इंटू करो। जैसे ये वाली जो साइड है अपने पास 30 डिग्री और ये अपने पास आ गई 60 डिग्री, ये जैसे साइड दे दी 20 और ये चाहिए अब, तो 60 के पास आपको सोचना है छोटा या बड़ा, आप कहोगे सर छोटा, छोटा बनाना है तो रूट थ्री का भाग दे दीजिए। हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना, 30 के पास वाली साइड बड़ी 60 के पास वाली साइड छोटी, छोटा या बड़ा बनाना है रूट थ्री से। एक एग्जांपल और दे देता हूँ, जैसे ये कोण मान लो 30 डिग्री है और ये कोण मान लीजिए 60 डिग्री है और ये आ जाए मान लो 40, कोई कहे कि ये साइड कितनी होगी, तो आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगाना, ये वाली जो साइड होगी वो होगी 40√3। लगे बड़ा बनाना है तो रूट थ्री से गुना, या आपको शुरुआत में जिसने रेशियो रट रखे हैं इनके, शुरुआत में थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन आप लोग 3 या 4 बार काम में ले लो, आपको मैं गारंटी देता हूँ कि क्वेश्चन इतना फास्ट होगा, इतना फास्ट होगा। कुछ लोगों का क्या होता है कि चेंज करने की कोशिश ही नहीं करते वो कभी, उनको लगता है कि मैंने तो यार रेशियो रट रखा है, ठीक है काम चल रहा है, चलने दो, लेकिन हमेशा चेंज अच्छा होता है, परिवर्तन हमेशा अच्छा है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो अपने आप को जो मेरे से पढ़े हुए हैं उनको ये चीज़ें पता हैं, क्योंकि रेशियो वाले से थोड़ी एडवांस की चीज़ें हैं ये, जल्दी कर पाते हैं इससे, और जो नहीं पढ़े हुए हैं वो लोग भी इस चीज़ को याद कर लीजिए। और ध्यान रखना, कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है, कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है, कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है।
30 के पास वाली साइड बड़ी, 60 के पास वाली साइड छोटी, छोटा या बड़ा बनाना है रूट थ्री से, और कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है। अगर ये चीज़ आपको पता है तो देखिए यहाँ पर ये एंगल 120 डिग्री थोड़ी देर पहले बताया था कैसे आया। अब हेक्सागन के बारे में एक बार समझना, देखिए कोशिश करना सीखने की। यहां पर इस प्रकार से है जो हेक्सागन है अपने पास, सीखना हेक्सागन का प्रत्येक एंगल, ये जो एंगल है वो है 120 डिग्री। अब हमें इसकी दो डायगोनल्स की लेंथ पूछ सकता है, रेगुलर हेक्सागन है ना, साइड ए मान लो, रेगुलर हेक्सागन है अपने पास साइड ए मान लो, एक तो अपने पास इस प्रकार से ये डायगोनल पूछ सकता है और दूसरा अपने पास इस डायगोनल की लेंथ पूछ सकता है। हेक्सागन में और ऑक्टागन में डायगोनल्स की लेंथ पर क्वेश्चंस बनेंगे। हेक्सागन में एसएससी बना सकता है, ऑक्टागन जो है वो कैट पर बेस्ड है, और अगले एग्जाम में जब एसएससी पेपर ले और अच्छे लेवल के अगर क्वेश्चंस आएगा तो हो सकता है कि एसएससी ऑक्टागन से क्वेश्चन पूछे। पहले मैं हेक्सागन में बता रहा हूँ और फिर मैं आप लोगों को ऑक्टागन में बता रहा हूँ कि आप लोग डायगोनल्स की लेंथ कैसे निकालोगे। सबसे पहले ये डायगोनल कैसे निकालते हैं और उसके बाद ये वाला डायगोनल कैसे निकालते हैं। डायगोनल क्यों निकालना पड़ेगा कोई पूछे, कोई तो अपने पास इस प्रकार से होगा, यहां से वो कहेगा एक ट्रायंगल इस प्रकार से बना दिया जाए, ये लो एक ट्रायंगल इस प्रकार से बना दिया जाए और इसकी साइड दे देगा और कहेगा कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा, इसका एरिया कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों से पूछ सकता है। तो ये वाली लेंथ, और ध्यान रखना मैंने कहा है कि कल से मैं क्वेश्चंस की शुरुआत करूंगा, तो आज मैं पॉलीगंस की सिर्फ और सिर्फ आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ इसमें क्वेश्चंस नहीं पूछा रहा हूँ कि क्वेश्चंस मैंने आपको दो तीन क्वेश्चंस करवा दिए, थोड़ा सा बता दिया, दो तीन क्वेश्चन करवा दिए, थोड़ा सा बता दिया, दो तीन क्वेश्चन बता दिए और तीन चार वीडियोस बना दिए, ऐसे नहीं कर रहा हूँ। मैं एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट पॉलीगन पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छे से कर पाओ, अच्छे से देखो। तो ध्यान देना बोर्ड पर, यहाँ पर 120 डिग्री का कोण है तो हम लोग कैसे कर पाएंगे, देखिए ये 120 डिग्री का है, यहाँ से आप लोग एंगल बाइसेक्टर खींच दीजिए, ये ट्रायंगल में आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो वही तो एंगल बाइसेक्टर होगा, वही एल्टीट्यूड होगा और वही अपने पास मीडियन होगी। ये 90 है, ये 60 है, तो ये आ गया 30 डिग्री। मुझे आप लोग ये बताइए, क्या जो कर्ण होता है, कर्ण होता है 90 डिग्री के सामने वाली साइड, और ये ट्रिग्नोमेट्री में बहुत अच्छे से समझ में आएगा, जो कर्ण होता है वो क्या 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है क्या? तो ये 30 है, ये ए है, तो ये वाली जो साइड आ गई वो आ गई ए बाई टू। कैसे आई? थोड़ी देर पहले बताया कि कर्ण जो होता है वो 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है, ट्रिग्नोमेट्री की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट करेंगे जो कर्ण होता है वो 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल, ये ए है तो ये ए बाई टू हो गया। अब अपने पास 30 डिग्री के पास वाली साइड बड़ी, बड़ा या छोटा बनाना है रूट थ्री से, 30 के पास वाली साइड बड़ी तो बड़ा बनाना है तो रूट थ्री से गुना कर दो, तो क्या रूट थ्री बाई टू इंटू ए हो गया क्या? इसको रूट थ्री से गुना कर दिया, और इधर वाला भी इतना ही होगा रूट थ्री बाई टू इंटू ए। तो मुझे बताइए इन दोनों को ऐड करोगे तो इस डायगोनल की लेंथ क्या अपने पास रूट थ्री ए आ जाएगी क्या? हाँ ना, कुछ तो बोलो। तो अपने पास इस डायगोनल की लेंथ आ जाएगी रूट थ्री ए। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि किसी भी हेक्सागन में अपने पास एक तो ट्रायंगल बना दिया इस प्रकार से तो हमें इसकी लेंथ चाहिए, और एक अपने पास ट्रायंगल बना दिया इस प्रकार से, इनके मिड पॉइंट्स को मिलाकर, इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट मिलाकर ऐसे ट्रायंगल बना दिया तो दोनों के एरिया का रेशियो बताओ, दोनों का एरिया का सम बताओ, ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों से पूछता है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि इस डायगोनल की लेंथ कैसे निकालते हैं, याद करना चाहो याद कर सकते हो, नहीं याद करना चाहो कोई बड़ा तरीका नहीं है, कोई भी लेंथ दे तो आप लोग ऐसे कर सकते हो। ध्यान देना आप लोग, आगे सीखना, अगला पॉइंट सीखो कि इस डायगोनल की लेंथ अगर कभी हम लोगों को फाइंड आउट करनी पड़े तो हम लोग कैसे करेंगे, वो पॉइंट सीखना। और उसके बाद मैं आपको ऑक्टागन पढ़ाने वाला हूं, देखिए ध्यान देना, यहां पर इस प्रकार से है, ये कोई भी रेगुलर हेक्सागन है जिसका प्रत्येक एंगल है 120 डिग्री। कोशिश करना समझने की, इसको आगे बढ़ा दिया, इसको भी आगे बढ़ा दिया, ये साइड ए थी, ये ए थी, ये ए है, 120 डिग्री है तो क्या 60 डिग्री होगा क्या? और ये भी कितना होगा 60 डिग्री, ए और ए।
60 60, अपने पास 60 60, तो ये भी अपने पास होने वाला है 60 डिग्री। तो क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया क्या? ये भी ए है, ये भी ए है, तो ये मिड पॉइंट हो गया और ये भी मिड पॉइंट हो गया। और मुझे बताइए मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन क्या तीसरी लाइन से आधी और उसके पैरेलल होती है? तो ये ए है, तो क्या ये 2A होगा क्या? तो कभी भी आपको दूसरा डायगोनल ये अगर फाइंड आउट करना पड़े, ये वाला डायगोनल अगर फाइंड आउट करना पड़े, तो ये वाला जो डायगोनल होगा वो 2A होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ए है तो ये वाला जो डायगोनल होगा वो 2A होगा। अब देखो मैं आपको समझा रहा था कि ये मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की अगर कभी लेंथ पूछ ले, ये ए है, ये 2A है, तो ये पैरेलल भी है इसके। तो मुझे ये बताइए ट्रेपेजियम का अगर मेरा वीडियो देखा है आपका, कल का या परसों के वीडियो में ट्रेपेजियम मैंने उससे सर्किल से पहले मैंने आपको पढ़ाया था कल और परसों, तो ट्रेपेजियम मैंने पढ़ाया, सॉरी सर्किल पढ़ाया कल और परसों, तो उससे पहले मैंने पढ़ाया था आप लोगों को ट्रेपेजियम। उसमें आपको आपने देखा होगा कि मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की लेंथ इन दोनों के दोनों पैरेलल साइड्स के सम की आधी होती है, ऐसा मैंने सिखाया था अगर आपको याद हो तो। तो ये चीज़ दोनों मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की लेंथ कैसे निकालते हैं हेक्सागन में, दोनों डायगोनल्स की लेंथ कैसे निकालते हैं वो मैंने समझाया। और ये अगर आपको समझ में आया तो मैं अब आप लोगों को समझाता हूँ कि ऑक्टागन जो है उसमें आप लोग डायगोनल्स की लेंथ कैसे निकालोगे। देखिए नंबर ऑफ डायगोनल्स अगर आप लोगों को फाइंड आउट करना पड़े, n इंटू एन माइनस 3/2 फॉर्मूला में आपको लिखवा चुका हूँ। अब डायगोनल्स की लेंथ हेक्सागन में भी पूछ सकता है, ऑक्टागन में भी पूछ सकता है, स्क्वायर में, और जो अपने पास रेक्टेंगल में वो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट 2 इंटू ए डायगोनल, उनका आप लोगों को पता है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से ऑक्टागन में आपके लिए बनाता हूँ, ऑक्टागन का जो प्रत्येक एंगल होगा वो n माइनस 2 इंटू 180/n, और n का मान आप लोग कितना रखोगे ऑक्टागन में, अष्टभुज में n का मान क्या 8 रखोगे क्या? 8 रखते ही प्रत्येक एंगल जो आ जाएगा वो आ जाएगा 135 डिग्री। 8 रखते ही प्रत्येक जो अपने पास एंगल आ जाएगा वो 108 डिग्री आ जाएगा। सबसे पहले ध्यान रखना ये साइड अगर ए है, ये साइड अगर ए है, तो सबसे पहले आपको डायगोनल यहाँ से यहाँ तक की लेंथ पूछ सकता है इस डायगोनल की। तो इस डायगोनल की लेंथ आप लोग अब की बार कैसे निकालोगे? इस विकर्ण की लंबाई, एक इसकी लेंथ पूछ सकता है, दूसरा इसकी लेंथ पूछ सकता है, और तीसरा इसकी लेंथ पूछ सकता है, तीन डायगोनल्स की लेंथ पूछ सकता है। और एक मिनट है आपके पास, मैं टाइम अभी तो नहीं दूंगा, वीडियो पॉज करके आप लोग सोचिए कि इनकी लेंथ, तीनों डायगोनल्स की लेंथ कैसे निकाल सकता है। और ध्यान रखना जब अचानक आपके सामने क्वेश्चन आएगा ना डायगोनल्स वाला, तो आप लोग ऑक्टागन में आते आप लोग फंस जाओगे कि कैसे निकालें। पढ़ा हुआ होगा एकदम आसान है, नहीं पढ़ा हुआ होगा तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम आनी है। देखिए कैसे, मैं आपको हिंट देता हूँ, मतलब सिखाई देता हूँ, हिंट क्या देना है, सिखाई देता हूँ कि डायगोनल्स की लेंथ कैसे निकालोगे। ध्यान रखना ये आपके पास डायगोनल की लेंथ अगर x है, अलग अलग पहले इसकी लेंथ कैसे निकालोगे वो सिखा रहा हूँ, फिर इसकी लेंथ कैसे निकालोगे वो सिखा रहा हूँ, और फिर इसकी लेंथ कैसे निकालोगे वो सिखा रहा हूँ कि डायगोनल्स की लेंथ आप लोग कैसे निकालोगे। देखिए यहाँ आपको ये वाली लेंथ अगर चाहिए तो कोसाइन रूल आपको लगाना है, तो हम लोग लिखेंगे कोस 135, और कोसाइन रूल मैंने फर्स्ट या सेकेंड वीडियो में बताया होगा। कोस 135 जो है, वापस मैं बताऊंगा मेंचुरेशन पढ़ाते टाइम कोसाइन रूल फिर से काम में लेंगे, लेकिन यहां पर सीखिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर, सोल्व करके कोस 135 की वैल्यू माइनस में जाएगी, माइनस 1/√2, उसके बाद सोल्व करके एक्स का मान निकालेंगे। और सबसे पहले डायगोनल की लेंथ हम लोग ऐसे निकालते हैं। दूसरे डायगोनल की लेंथ अगर आप लोग वाई मानो तो दूसरे डायगोनल की लेंथ आप कैसे निकालोगे, देखो मैं सिखाता हूँ। आप लोग एक काम कीजिए, कोण 135 डिग्री है, यहां से परपेंडिकुलर डालिए 90 90, तो ये बचा अपने पास 45, और ये 45 है तो ये भी 45। ऐसे यहां से एल्टीट्यूड डालिए तो अपने पास ये जो कोण बचेगा वो भी 45, और ये जो कोण बचेगा वो भी अपने पास 45। दूसरे इसकी लेंथ, वाई की लेंथ कैसे निकालोगे, तो यहां से परपेंडिकुलर डाला तो ये रेक्टेंगल बन गया, ये ए है, तो यहां से यहां तक ये होगा ए। और हमें पता है कि 45 45 में कर्ण रूट 2 टाइम्स होता है, थोड़ी देर पहले ही समझाया, वो याद रखना 45 45 हो तो दो साइड बराबर और कर्ण रूट 2 टाइम्स। कर्ण अगर रूट 2 टाइम्स है तो साइड जो होंगी वो अपने पास a बाई रूट 2, और ये साइड भी अपने पास होगी a बाई रूट 2। तो y का जो मान आ जाएगा यहाँ से, y का मान आ जाएगा a प्लस, इन दोनों को ऐड करोगे तो 2 लिख देता हूँ, 2a/√2, 2 से रूट 2 टाइम्स कट जाएगा, तो a प्लस √2a, ये अपना आंसर आ गया।
ये अपने पास जो है, ये अपने पास इस वाले डायगोनल की लेंथ है, और मैं 100% आपको बता रहा हूँ, जब आप लोग एग्जाम में करोगे तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें तो हैं, लेकिन इसमें आप लोग फंस जाते हो, तो इन क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे ही सोल्व करेंगे। तीसरा, अपने पास यहाँ से यहाँ तक की अगर लेंथ चाहिए, ये वाले की लेंथ अगर चाहिए तो कैसे निकालेंगे। देखिए मैं इसको हटा देता हूँ, ऊपर वाले को। इसकी लेंथ निकालने का तरीका जो होता है वो तरीका ये है, आप लोग सोचो क्या होगा, आसान एकदम, हाँ ना बताओ, आया क्या दिमाग में? हाँ तो हाँ कमेंट करो, ना तो ना कमेंट करो। इधर देखो, ये 135 डिग्री था, 45 डिग्री है तो ये 90 डिग्री, ये वाली साइड ए है और ये वाली साइड ए प्लस टू ए है, रूट टू ए है। तो मुझे बताइए पाइथागोरस थ्योरम से क्या आप लोग इसकी लेंथ निकाल सकते हो क्या? जेड बराबर होगा अपने पास ए स्क्वायर प्लस ए प्लस रूट टू ए का होल स्क्वायर, ये अपने पास जेड स्क्वायर के बराबर आएगा, तो ये अपने पास जेड की वैल्यू आ गई। जब अच्छा क्वेश्चन बनाना चाहेगा वो, तो अपने पास अच्छा क्वेश्चन बनाते टाइम वो लिखेगा कि मुझे आप बताइए कि सबसे छोटे डायगोनल और सबसे बड़ा जो डायगोनल है उन दोनों का रेशियो बताइए, तो उन दोनों का रेशियो पूछ लेगा, तो हम लोग ऐसे सोल्व करते हैं। तो हेक्सागन का और ऑक्टागन का मैंने डायगोनल आप लोगों को सिखाया, इसका एरिया भी आप लोग ऐसे निकाल सकते हो। इसका एरिया का एक तो फॉर्मूला होता है जो कि मैं आपको मेंशुरेशन में बताने वाला हूँ, अभी मैं आपको नहीं बताने वाला, इन ध्यान देना, अभी मैं आपको नहीं सिखाने वाला हूँ कि यहाँ पर इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, 1/4 एन ए स्क्वायर कोट पाई बाई एन, इनके अंतर्वृत्त की त्रिज्या, बाह्य वृत्त की त्रिज्या, मेंशुरेशन की जो चीज़ें हैं वो मैं मेंशुरेशन में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मैं प्योर आपको ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूँ। इसका मैं ये जो चीज़ें हैं ना, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, ये मिला दो, जैसे आपको कभी निकालना पड़े ये मिला दीजिए, ये मिला दीजिए, जैसे ये साइड मान लो दो है और क्षेत्रफल पूछ ले ऑक्टागन का, और कोई स्टूडेंट चाहता है कि सर मैं तो निकालना चाहता हूँ कैसे करूँगा बताओ, तो अपने पास ये वाला आ जाएगा दो, तो ये भी दो, ये अपने पास रूट टू, तो ये रूट टू अपॉन रूट टू टाइम्स होता है ना ये, ऐसे ये रूट टू, ये रूट टू, ये दो है, ये भी दो, ये भी रूट टू, ये भी रूट टू, दो रूट टू रूट टू, ये अपने पास दो, बीच में स्क्वायर, इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का चार तो ट्रायंगल हैं, चार ही रेक्टेंगल हैं और एक स्क्वायर है, सभी का एरिया ऐड कर देना तो पूरा क्षेत्रफल भी आ जाएगा। तो लेकिन ये मेंशुरेशन की जो चीज़ें हैं वो मैं आपको मेंशुरेशन में पढ़ाने वाला हूँ, ज्योमेट्री जो है वो मैं आपको ज्योमेट्री में पढ़ा रहा हूँ, और अगले जो चैप्टर होगा उसमें अंतर्वृत्त की त्रिज्या, बाह्य वृत्त की त्रिज्या, क्षेत्रफल अपने पास कैसे निकालते हैं, वो सारी चीज़ें, 1/4 एन ए स्क्वायर कोट बाई बाई एन, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी उस चीज़ पर नहीं घबराना आप कि सर आपने ये नहीं बताया वो नहीं बताना, कमेंट्स में ऐसे नहीं लिखना, क्योंकि जो ज्योमेट्री की चीज़ें होंगी वो ज्योमेट्री में पढ़ रहे हैं, मेंशुरेशन की जो चीज़ें होंगी वो मेंशुरेशन में पढ़ेंगे। एक छोटा सा और लास्ट पॉइंट पॉलीगन के लिए ध्यान रखना, आज की क्लास का लास्ट पॉइंट ये ध्यान रखना आप लोग, देखो ध्यान देना, ये अपने पास कभी भी किसी भी पॉलीगन में साइड कितनी हो सकती हैं, या तो तीन हो सकती हैं, या चार हो सकती हैं, या पाँच हो सकती हैं, या छः हो सकती हैं, या सात हो सकती हैं, आठ या नौ या दस, इस प्रकार से किसी भी अपने पास पॉलीगन में जो साइड्स हो सकती हैं वो दस साइड हो सकती हैं, ग्यारह बारह तेरह कुछ भी हो सकती हैं, मतलब कितनी भी साइड्स हो सकती हैं। ध्यान रखना साइड अगर रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहा हूँ आपके लिए, तीन पाँच सात नौ ग्यारह इस प्रकार से, विषम साइड अगर हैं तीन पाँच सात नौ ग्यारह तेरह, ऐसे अगर ओड नंबर्स में अगर हैं किसी भी रेगुलर पॉलीगन की अगर साइड ओड नंबर हैं, विषम संख्याएं अगर हैं, तो ध्यान रखना जैसे साइड अगर अपने पास इस प्रकार से पांच साइड्स अगर हैं, तो ध्यान रखना हमेशा जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो सामने वाले साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। पाँच हों, सात हों, दस हों, बारह हों, एंगल बाइसेक्टर जो होगा वो हमेशा सामने वाले साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। कब? जब अपने पास ये जो है अपने पास पाँच सात नौ इस प्रकार से साइड हो। और ध्यान रखना कभी भी अगर अपने पास हेक्सागन अगर है, या ऑक्टागन है, या डेकागन है, या चार साइड्स वाली आकृति है, रेगुलर पॉलीगन अगर है, तो ध्यान रखना एंगल बाइसेक्टर सामने वाले के भी एंगल बाइसेक्टर पर मिलेगा, चाहे साइड आठ हो सकती हैं, एंगल बाइसेक्टर सामने वाले के एंगल बाइसेक्टर पर ही मिलेगा। और यहाँ एंगल बाइसेक्टर सामने वाले साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा जब ये साइड हो, और ये साइड अगर हो दो चार, दो तो हो ही नहीं सकती है ना, दो नहीं, चार
6, 8, 10 ऐसे अगर हों तो ये अपने पास सामने वाले एंगल के एंगल बाइसेक्टर पर ही जाकर मिलेगा। स्क्वायर में आपने देखा था इसीलिए क्योंकि पढ़ा चुका हूँ मैं ये चीज़ें, स्क्वायर में एंगल बाइसेक्टर था। रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहा हूँ, सम बहुभुज की बात कर रहा हूँ, और सम बहुभुज वो होता है जिसके एंगल और साइड्स बराबर होते हैं। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अगर आपको लगता है कि इसमें आपको नई चीज़ें सीखने को मिली हैं, अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना। बाकी चीज़ें हम लोग अपनी अगली क्लास में, अब क्वेश्चंस की हम लोग शुरुआत करेंगे। थ्योरी अपने पास इतनी थी, काफ़ी सारे पॉइंट्स जो थ्योरी के होंगे वो मैं आपको क्वेश्चंस करवाते टाइम भी साथ साथ बताते चलूँगा। क्वेश्चंस करवाते टाइम थ्योरी में वापस उनके साथ साथ बताते चलूँगा, तो घबराना नहीं। थ्योरी को आप लोग 2-3 बार लेकिन रिवाइज कर लो, तभी आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएंगे। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। कल शाम को मिलता है।